कुछ बिना बोए हुए भी वो भी घास फूस उगने शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये बुद्धि है, ये दिमाग है इंसान का, ये दिमाग स्थिर नहीं रहता। इसके अंदर 73% तक तो पानी होता है, तो ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, 1300 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम तक का होता है। यही खेल है बस सारा। इसको ये नहीं पता होता कौन से विचार अच्छे हैं, कौन से विचार बुरे हैं। बस इसका काम ग्रहण करने का है, ग्रहण करता रहता है, खींचता रहता है। जिस प्रकार से इस संसार के अंदर जहां आप नज़र दौड़ाओगे, जो कुछ आप पढ़ोगे, जो कुछ आप सुनोगे आँखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से और भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमों से, ये दिमाग के अंदर वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं जा कर के। और जब ये वस्तुएं इकट्ठी होती हैं, ये 80% व्यर्थ की चीज़ें होती हैं, नकारात्मक चीज़ें होती हैं, जिनको हम संभाल करके रखते हैं। बहुत से लोग जब अनुभव करोगे तो पता चलेगा हम 80% जो चीज़ें हैं, जो पीछे हमने कर्म किए हैं उनके बारे में, आने वाला जो भविष्य है उनके बारे में सोचते रहते हैं। ये 80% जो नकारात्मक विचार जो इकट्ठा होते हैं, हम उनको सींचते रहते हैं जो हम सुनते हैं। इसी कारण से आपके चारों तरफ का जो माहौल होता है, चारों तरफ का जो घेरा होता है, चारों तरफ के जो लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि हर समय वही थॉट्स चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। इंसान का दिमाग एक दिन में 70,000 से 80,000 तक विचार करता रहता है, संकल्प करता रहता है। इतने शब्द अंदर में चले जाते हैं, हम उनको हटाते नहीं हैं, बस स्टोर करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। और ये ऐसी भी स्टोरेज नहीं है जैसे कंप्यूटर की होती है, हार्डवेयर की होती है, सॉफ्टवेयर की होती है कि ये बंद हो जाए, समाप्त हो जाए। ये एक ऐसा कंप्यूटर भी नाम नहीं दे सकते हम इसको, क्योंकि वो भी बहुत छोटा शब्द हो जाएगा। मानव ने आज तक ऐसी कोई रचना नहीं की है जिसका उदाहरण दिया जा सके, क्योंकि ये बस छोटा सा बुद्धि इतना प्रभावित होता है कि जिस प्रकार से इस पूरी प्रकृति को आप देखो, पूरा दिन कितने विचार करते रहते हो, कितना देखते हो, कितना सोचते हो, कितना महसूस करते हो। हर रोज़ अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के विचार, अलग अलग प्रकार की प्रकृति, नई नई खोज, पढ़ना, घटनाएं, समाज, संसार, जो भी आप देख सको, समझ सको, जो आज तक आपने अनुभव किया, यही नहीं पिछले जन्मों की बहुत सी घटनाएं भी सेव मेमोरी के अंदर पड़ी रहती हैं। मैं देखता हूँ कुछ जीव जो पिछले जन्म के कारण से बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बार बार उनको वो चीज़ें, घटनाएं दिखाई देती हैं। अगर सब की सब मिट गई होती, कोई कर्म शेष न रहता, कर्म का प्रभाव इस शरीर और जीवन के ऊपर नहीं रहता, तो वो घटनाएं आपको महसूस नहीं होती और न ही इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती, न अनुभव होती और न इस जीवन के ऊपर उनका प्रभाव होता। क्योंकि सब के सब मानवों का जीवन कर्म के ऊपर आधारित होता है, कर्म के द्वारा बनाया जाता है, कर्म के द्वारा निर्धारित किया जाता है, कर्म के अनुसार मानव का शरीर चलता है। जिस दिन कर्म समाप्त हो जाते हैं, उसी दिन मानव ये शरीर छोड़ करके चला जाता है। तो ये छोटी सी जो बुद्धि होती है, दिमाग होता है, ये हृदय के द्वारा साइंस ने भी ये खोज कर ली है कि जब शांत एक कमरे में
बिना आवाज के कमरे के अंदर मानव को रोक दिया जाए तो खून जो नाड़ियों के अंदर चल रहा है, नसों के अंदर चल रहा है, उसकी आवाज तक सुनाई देने लगती है। ये तो साइंस की खोज है, मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रहा है। तो ये जो हृदय के अंदर जो पंपिंग हो रही है खून की, और ये पूरे शरीर के अंदर खून चल रहा है, ये वाइब्रेशन दिमाग तक जाती है, ये दिमाग तक वाइब्रेशन जा करके दिमाग को प्रभावित करती है, इसी से सारा खेल चलता है। और दिमाग किसी का भी स्थिर नहीं है। जब आप छोटे बच्चे को देखोगे, इधर हिलाओगे, आवाज़ सी आएगी हल्की सी, जैसे कुछ इधर गया हो, फिर इधर हिलाओगे तो पता चलेगा कुछ हिला है सिर के अंदर। वो मानव मस्तिष्क है जो स्थिर नहीं होता, हिलता रहता है। उसके ऊपर एक परत होती है, तीन परतों के मध्य में वो स्थिर होता है। दो प्रकार की बुद्धि होती है, दाईं तरफ की, बाईं तरफ की। ये सारा खेल संरचनाएं परमात्मा ने इतनी गहराई से रच दी हैं कि मानव बहुत मुश्किल से समझता है, क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक होता है। कुछ लोग केवल मात्र ताड़ी बजाते रहते हैं, घंटी बजाते रहते हैं, और रहस्य को न समझ करके, न समझा करके जीवों को ऐसे ही भ्रमित और भटकाते रहते हैं। न उन्हें उस परम तत्व का पता होता, न शरीर की रचना का पता होता, न धर्म का पता होता, न ब्रह्म का पता होता, न तत्व का पता होता, न आत्मा का ज्ञान होता। वो लोग वहाँ तक न समय पहुँचे होते, न आपको ले करके जा सकते हैं। लेकिन मीठी मीठी बातों से, इधर उधर के अवतारों की कथाएं सुनाने से, और छोटी मोटी सेवाएं करने से, और मूर्तियों की पूजा करने से आप वहां नहीं जा सकते। मैं बार बार बोलता हूं, बार बार समझाता हूं, प्रयास करते हैं कि आप उस मार्ग पर चलें जो संतों का मार्ग है, जो सिद्धों का मार्ग है, जो आपको परमात्मा तक ले करके जाएगा। आप बीच में न रुके, कल्याण हुए बिना, परमात्मा की प्राप्ति हुए बिना, मोक्ष की प्राप्ति हुए बिना अगर आप बीच में रुक गए, या शरीर छूट गया, या आपने ध्यान और सुमरण छोड़ दिया, या आप जिस क्रिया में लगे हुए थे वो रोक दी, आपको वहीं रोक लिया जाएगा। आगे की स्थिति नहीं बढ़ पाओगे, और फिर अगला जन्म निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। फिर आप इसी प्रकार से संसार में आओगे, भटकोगे, फिर चक्कर लगाओगे, और फिर अगर भजन नहीं हुआ फिर निकल जाओगे। जीवन मृत्यु कर्म का कष्ट चलता रहेगा, जीव सहता रहेगा, और परेशानियां आपको आती रहेंगी। न शरीर साथ देगा, न परिवार साथ देगा, और आप सोचते हो कि परमात्मा हमारा बुरा कर रहा है, हमने ऐसा क्या गलत किया है कि परमात्मा हमारे पीछे लगा हुआ है। बहुत लोगों ने ये सवाल किया मेरे से, करते भी रहते हैं। परमात्मा न किसी का अच्छा सोचता है, परमात्मा ना किसी का बुरा सोचता है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर 84 लाख योनियां हैं।